थर्ड वन है फाइंड द प्रोडक्ट, 6 × 3 × 13। तो पहले आपको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं कॉपी में आपको बता रही हूँ, 6 × 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 × 6 = 18। ये जो प्रोडक्ट आया इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 × 8 = 24, 2 कैरी ओवर होगा, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 3 × 1 = 3, 2 = 5। अब 1 जो है 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंस प्लेस पे, तो पहले आपको 0 लिखना है, फिर 1 × 8 = 8 और 1 × 1 = 1, इसको आप प्लस करेंगे, 5, 5 + 8 = 13, 1 कैरी ओवर होगा, 1 + 1 = 2, तो ये आपका जो है प्रोडक्ट आया 234। ये आपको अपनी बुक में भी राइट डाउन करना है, 234। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 × 6 × 5। तो 14 को पहले 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 14 × 6, 6 × 4 = 24, 2 कैरी ओवर और 4 आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, 6 × 1 = 6 और 2 = 8, 84। 84 जो प्रोडक्ट आया इससे आपको 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4 = 20, 2 कैरी ओवर, 5 × 8 = 40 + 2 = 420, तो आपका जो है प्रोडक्ट है 420, जो आपको बुक में भी लिखना है। अब आपको सी और डी होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला फाइंड द प्रोडक्ट, इसको मैं आपको ई क्वेश्चन है जो कॉपी में कर रही हूँ, 7 × 4 × 11 × 2 = 30। तो सबसे पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4, 4 × 7 = 28। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसको 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8 = 8 और 1 × 2 = 2। फिर ये 1 जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लेस पे है ये 1, तो इसको 0, 1 × 8 और 1 × 2 = 2। इस दोनों डिजिट को आप प्लस करेंगे, 8, 2 + 8 = 10, 1 कैरी ओवर, 1 + 2 = 3। 308 जो आया इसको आप 230 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को आपको 8 से करेंगे 0, 0, 0 और 0 को 3 से करेंगे 0। 10 प्लेस पे आपका 3 है तो पहले आप 0 लिखेंगे और फिर 3 × 24, 2 कैरी ओवर, 3 × 24 और 3 यहाँ पर 0 है और ये कैरी ओवर आप लेंगे और 3 × 9। फिर 100 प्लेस पे 2 है तो आपको पहले 2 डिजिट लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 16, 1 कैरी ओवर, यहाँ पर 0 है, 2 × 0, 0 और ये कैरी ओवर यहाँ पर आप लिखेंगे और 2 × 3 = 6, 0 + 4, 2 + 6 = 8, 9 + 1 = 10, 1 कैरी ओवर, 1 + 6 = 7। तो ये आपका प्रोडक्ट है 70,840। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है और आपको F और G होमवर्क में कॉपी में वर्क करना है। थैंक यू।